नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ बेहद खास, बहुत अनमोल, बहुत ज्यादा यूजफुल है जिंदगी की हर प्रकार की तकलीफ को दूर करने वाला है। यदि आपकी लाइफ संकटों से घिरी हुई है, आप इस उपाय को जरूर करें। कामों में असफलता मिल रही है, कोई भी कार्य आप करने के लिए जाते हैं, हर काम में आप असफल होते हैं, इस उपाय को जरूर करें। घर के अंदर कलह है, मन बेचैन रहता है, अंदर से चिड़चिड़ाता है स्वभाव, ओहो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। कई बार आप देखना, मैंने एक इंसान को देखा, वो बेचारा रोटी खा रहा है बैठ करके और पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, ए चल चल चल, अरे क्यों, ए तेरा नाम आ गया पुलिस स्टेशन में, तेरा नाम आ गया, ये जो घटना घटी उसमें तेरा हाथ था। उसको तो पता ही नहीं है घटना कब घटी और वो घटना किसने घटवाई, लेकिन इसका नाम आ गया और ये बिल्कुल फ्री में अंदर जा रहा है। जब शनि परेशान करे ऐसा होता है। खाना सामने रखा है लेकिन निवाला मुंह तक नहीं जाता, निवाला तो क्या जाएगा, डंडे पड़ने लग जाते हैं, है ना। ऐसे में दोस्तों शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। पहले मैंने इस उपाय को बताया था, कुछ लोगों को इसमें काफी तकलीफें हुई इसको फॉलो करने में। वैसे मैं फिर से बता दूं, जो लोग कर सकते हैं जरूर करें। शनिवार के दिन तिल का तेल ले लें, स्टील की या लोहे की कटोरी में, और उसमें सफेद कपड़ा भिगो दें, और जहां जाहिर शौचालय हो उसके सामने जाकर के उस कपड़े को गाड़ दें, या फिर जाहिर शौचालय के सामने तिल का तेल एक कटोरी फेंक दें, पूरे घर से उतारे और परिवार के तमाम मेंबर्स के ऊपर से भी साथ साथ बार उबारे और उस तेल को फेंक दें, शौचालय के सामने फेंक दें, या फिर सामने फेंकना पॉसिबल ना हो तो आप शौचालय के अंदर भी फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसे ना फेंकें कि किसी का पैर फिसले, जहां पानी होता है उसमें डालना है, गंदे पानी में, बराबर। कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया था कि मतलब उनका प्रॉब्लम था कि जाहिर शौचालय में घर से दूर है, इतनी दूर जा करके हम इस उपाय को नहीं कर सकते। तो आज आपको उसके सॉल्यूशन में ये दूसरा बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अपने घर के शौचालय में भी कर सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टील की या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो उसके ऊपर से 7 बार उबारे, और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उबार करके ऐसे गोलाकार में क्लॉकवाइज, और फिर सिर से पैर तक भी 7 बार उबार लें, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है उस पर शनि की कुछ ज्यादा ही कुदृष्टि होती है, तो उस पर आप 2 बार कर लें। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है किसी भी चीज से, उस पर भी आप 2 बार कर लें। बाकी के तमाम मेंबर्स के ऊपर से 7-7 बार उसको उबारे क्लॉकवाइज दिशा में, और पूरे घर में घुमा लें, बराबर। और उसके बाद में आप उसको घर के शौचालय में ही, जहां गंदा पानी है उस पर आप उसको डाल दें, और एकदम से ना डालें, धीरे धीरे से उसकी लर बना करके उसको डालें। डालने के बाद जो कटोरी है उसको घर के बाहर रख दें। उस दिन तो कम से कम आप उस कटोरी को घर के अंदर ना लाएं। ये उपाय दोस्तों यदि आपने 3 शनिवार भी रेगुलर कर लिया, आपके ऊपर किए गए टोने टोटके, कोई भी आपके ऊपर यदि नजर लगी है, किसी की हाय लगी है, किसी की बद्दुआ लग गई है, ये तमाम चीजें भूत पिशाच जिन यदि आपको परेशान कर रहे हैं, शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं, इस छोटे से उपाय से आपको तमाम चीजों से बड़ी आसानी से मुक्ति मिलेगी, तमाम चीजों से मुक्ति मिलेगी। शौचालय में सिर्फ इस चीज को शनिवार शनिवार डालना है।
यदि ये उपाय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन तो जरूर शुरू कर दें करना, हर अमावस्या आप इस उपाय को करें और देखें रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तमाम प्रकार की तकलीफों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करके देखें क्या अनुभव होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में कभी अपना नंबर नहीं देती। हाँ, जो नंबर दिए गए हैं और मतलब जो फ्रॉड लोग हैं उनके हैं, यदि आप स्वेच्छा से उन नंबरों को डायल करना चाहते हैं तो करें, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपसे मेरे नाम पर पैसे मांगता है, पूजा पाठ के बहाने पैसे मांगता है और ये कहता है कि वो हमसे जुड़ा हुआ है, आप तुरंत पहचान जाए ये फ्रॉड है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ के बहाने या किसी भी बहाने पैसे मांगे ही नहीं जाते। जो आपके कॉल उठाए जाते हैं वो भी फ्री सर्विस है, तो सावधान रहें फ्रॉड लोगों से। जय श्री कृष्ण।